जो विलन होता है उसकी जीत तब हो जाती है जब वो पर्दे पे आए उसको देख के लोग जो है नफरत करने लगे और इसमें आप काफ़ी हद तक जीतते नज़र आ रहे हैं और मेरा कहना है कि आपको भोकाल रखने के लिए बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आपको लगता है आपका भोकाल नहीं चलता है एक एक करके पूछ ले पहला पहला पूछ ले आराम से पहला वाला पूछ ले क्या मैंने आपसे मैंने बोला कि जीत होती है विलन की तब जब वो आता है पर्दे पर उसको देखने के बाद उससे लोग नफरत करने लगे यहाँ पर तो आपकी जीत नज़र आ रही है मुझे चलो जो पहला कृष्ण आपने खुद दे दिया चलो लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको भोकाल बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता और फिर एक, 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 एक। <laughs> अभी तो समझाया बेटे एक एक करके पूछ आराम से किस बात की जल्दी हम यहीं बैठे हैं हाँ तो अब देख सेकंड वाला क्वेश्चन दिमाग से निकल गया ना क्या बहुकाल बनाने के लिए है? क्या करना पड़ता है बहुकाल बनाने के लिए वैसे तो अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान बनना पड़ता है यह फिल्म है इसमें जरूर मैं विलन का रोल हूं और वो अपने हिसाब से सोचता है कि मैं गलत काम करके बहुकाल बनाऊंगा लेकिन बाद में एहसास क्या होता है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा ठीक है तीसरा दूसरा।, दूसरा, दूसरा नहीं ये दूसरा हुआ ना पहला तो उसने खुद ही उत्तर दे दिया एसी, अच्छा। एसी कौन जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भोकाल नहीं चलता है आ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरा लगता है घर पे ही नहीं चलता है